परम शांति। देखो मन क्यों नहीं बदल सकती, मनुष्य आत्माएं बहुत कोशिश करती है मन को बदलने के लिए, मन क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि मन जो कारण शरीर में अनेक जन्मों के जो रिकॉर्ड पड़ा है, अनेक जन्म मरण के चक्र में आई हुई कर्मों का, मन वचन कर्म से जो कर्म का रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में, वो कारण शरीर में जब तक रिकॉर्ड है तब तक मन वो कारण शरीर के रिकॉर्ड के हिसाब से ही मन काम करेगा। और कारण शरीर सूक्ष्म जगत के हिसाब से, सूक्ष्म में जो भी उसके साथ एक वायुमंडल बनता है, इसके कारण कारण जगत कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में ओरा बनता है, और वो ओरा सूक्ष्म जगत से मतलब वायुमंडल में वो प्रभावित होता है, ओरा भी प्रभावित होता है, और वो इसके कारण मन भी वो ओरा के कारण का कारण शरीर के कारण वो काम करता है। अब वो मन को तुम्हें बदलना है तो तुम्हें आत्मस्वरूप बनकर परम बेहद के परमपिता से पावर लोगे तो पावर आएगी। पावर आएगी आत्मा में, पावर डायरेक्ट तो नहीं आएगी मगर वो पावर तुम्हारा सीधा कारण शरीर में आएगी, सीधी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। आत्मस्वरूप एकदम निर्लेप निराकार बन जाओ तो सीधा आत्मा में पावर आएगी, मगर शुरू शुरू में आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तो आत्मा में सीधा जो पावर आती है वो सीधा कारण शरीर में आती है। कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड अनेक जन्मों के जो रिकॉर्डेड कर्म बंधन है वो धीरे 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 पावर धीरे 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 कारण शरीर का रिकॉर्ड खत्म कर लेती है। और जब कारण शरीर का रिकॉर्ड धीरे 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 खत्म हो जाता है तब मन धीरे धीरे बदलता है, और मन धीरे धीरे परमात्मा में और लगता है और लगता है। पहले उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है बहुत, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को परमात्मा के लगाने के लिए, मन को आत्मस्वरूप में करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। मगर जब धीरे धीरे मन परमात्मा में थोड़ा थोड़ा लगाता है तो पावर आती है थोड़ी थोड़ी, तो वो कारण शरीर में आती है, कारण शरीर में वो पावर धीरे 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 कारण शरीर को एकदम क्लीन करती हैं, कर्मों का कारण जो रिकॉर्ड पड़ा है वो विकर्म विनाश हो जाते हैं, तब कारण शरीर धीरे 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 एकदम क्लीन होता है, तब मन एकदम क्लीन होता है। कारण शरीर क्लीन तो मन क्लीन, मन एकदम परमात्मा में लग जाएगा और बहुत पावर आएगी, और धीरे धीरे कारण शरीर महाकारण शरीर परम महाकारण शरीर क्लीन होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा, और धीरे धीरे परमात्मा में आत्मस्वरूप की तब अनुभूति होगी, और आत्मा और परमात्मा एक रूप अवस्था में हो जाएंगे। तब फिर आत्मा यहाँ रह भी नहीं पाएगी, अपने परम पिता के पास, अपने रचयिता के पास चली जाएगी। ये थियरी ऑफ कर्मों का हिसाब किताब भी है, कर्म बंधन काटने का भी है, विकर्म विनाश करने का भी ज्ञान है। इसलिए ज्ञान स्वरूप ज्ञान चाहिए, आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान, सीधा आत्मस्वरूप बैठ गए लग गए ऐसा नहीं होता। हमेशा आत्मस्वरूप बनने के लिए बहुत बड़ा नष्टो मोह स्मृति लब्धा इच्छा मात्रम अविद्या, तो ये बहुत बड़ी त्याग और तपस्या है। परम शांति। हद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.